नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलिंदु। पहले देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें डीबी लाइव के सौजन्य से, उसके बाद कुछ मनोरंजन की क्लिप्स। आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो आइए पहले देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। अभी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, राहुल के बयान से घबराई बीजेपी की। बात करेंगे चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई की, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागियों की बड़ी मुश्किलों की। जानेंगे तेलंगाना के राज्यपाल ने क्यों दिया इस्तीफा। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान। बीजेपी को 17, जेडीयू को 16, चिराग को 5 और मांझी कुशवाहा को मिली एक एक सीट, जबकि पशुपति पारस को नहीं मिली एक भी सीट। के पोनमुड़ी को मंत्री नियुक्त करने से राज्यपाल के इनकार पर तमिलनाडु सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी सहमति, उठी राज्यपाल के इस्तीफे की मांग। कर्नाटक बीजेपी में एक और दिग्गज ने दिए बगावत के संकेत। पूर्व सीएम डीवी सदानंद गौड़ा ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने के दिए संकेत, 19 मार्च को करेंगे ऐलान। और शेयर बाजार में तेजी, 104 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 72,748 पर पहुंचा सेंसेक्स। 32 अंकों की तेजी के साथ 22,055 पर हुआ बंद निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने एसबीआई को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि आपको हर जानकारी देनी होगी, कुछ भी नहीं छिपाएं, जो भी हो उसे बताएं। तो आखिर किस जानकारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई है नाराजगी और क्या दिया है आदेश, देखिए ये रिपोर्ट। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को सख्त आदेश देते हुए कहा था कि 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा चुनाव आयोग को दे, जिसे चुनाव आयोग 14 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। एसबीआई ने दो फाइलों में डेटा दिया, लेकिन इसमें यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर नहीं था, जिस कारण से ये जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि किस व्यक्ति या कंपनी ने किस राजनीतिक दल को चंदा दिया है। और इसी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को जमकर फटकार लगाई। सीजीआई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एसबीआई के वकील हरीश सालवे से कहा, हमने कहा था कि सारी डिटेल्स लाइए, इसमें बॉन्ड नंबर्स की भी बात थी। जानकारियों का खुलासा करने में एसबीआई सिलेक्टिव ना रहे, ना ही हमारे आदेश का इंतजार करे। एसबीआई चाहती है कि हम ही उसे बताएं किसका खुलासा करना है, तब वे बताएंगे। एसबीआई का ये रवैया सही नहीं है। हम आदेश देते हैं कि एसबीआई के चेयरमैन 21 मार्च शाम 5 बजे तक एक एफिडेविट दाखिल करें, जिसमें लिखा हो कि कोई जानकारी नहीं छिपाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया कि एसबीआई से मिली जानकारी तुरंत वेबसाइट पर अपलोड करें। सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने तो पिछली सुनवाई में एसबीआई को नोटिस जारी किया था, क्योंकि हमने आदेश में पूरी जानकारी देने के लिए कहा था, लेकिन एसबीआई ने बॉन्ड नंबर नहीं दिया। एसबीआई पूरे आदेश का पालन करे, सभी बॉन्ड के यूनिक नंबर यानी अल्फा न्यूमेरिक नंबर निर्वाचन आयोग को मुहैया कराए, हम ये साफ कह रहे हैं। सुनवाई के दौरान एसबीआई के वकील हरीश सालवे ने कहा कि एसबीआई यूनिक नंबर देने को तैयार है, यानी अब 21 मार्च को इस बात की जानकारी भी सामने आ जाएगी कि किस डोनर ने किस राजनीतिक दल को चंदा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोई भ्रम नहीं है, हमारा आदेश एकदम साफ है। अब जल्द ही चुनावी बॉन्ड की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर बताया कि शक्ति को लेकर किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। मुंबई की रैली में उन्होंने जो कहा उसे एक बार फिर राहुल ने दोहराया है और बताया कि कैसे बीजेपी हर चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करती है। तो क्या कहा है राहुल ने, देखिए रिपोर्ट। मुंबई के शिवाजी पार्क में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के बाद मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित एक रैली में राहुल गांधी ने कहा कि मुंबई से आज हिंदुस्तान की आवाज निकली है। देश को बांटने का मंसूबा रखने वाली शक्ति इंडिया की शक्ति को कभी नहीं हरा सकती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक नकारात्मक शक्ति का मुखौटा है, वही शक्ति जिसने हिंदुस्तान की संस्थाओं को गुलाम बना लिया है, वही शक्ति जो भारत के किसान, मजदूर, युवा, महिला, गरीब और छोटे उद्योगों को निचोड़कर सब कुछ अपने चंद अरबपति पर लुटा देना चाहती है, वही शक्ति जो देश में आज भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। अब इस शक्ति को करारा जवाब देने का वक्त है। राहुल गांधी ने शक्ति की बात की तो बीजेपी ने इसे हिंदू धर्म का अपमान बता दिया। राहुल के बयान को सनातन के अपमान से जोड़ना शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने शक्ति को महिलाओं से जोड़ दिया। तेलंगाना की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ शक्ति को मिटाने वाले लोग हैं। बीजेपी ने जब राहुल के
बयान पर सवाल खड़े किए तो राहुल ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। उन्होंने कहा, मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती है, किसी न किसी तरह से उन्हें घुमाकर वे उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। उस शक्ति को मैं पहचानता हूं, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी जी भी पहचानते हैं। वे किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वे अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। इसीलिए जब जब मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं, मोदी जी और उनके झूठों की मशीन बौखलाती है, भड़क जाती है। राहुल गांधी के तेवर तीखे हो चुके हैं तो दूसरी तरफ अब चुनाव आयोग भी अपने तीखे तेवर दिखा रहा है। चुनाव के ऐलान के बाद अब आयोग ने आधा दर्जन राज्यों के गृह सचिव को हटाने के आदेश दिए हैं। निशाने पर पश्चिम बंगाल के डीजीपी भी आ गए हैं। तो किस किस पर हुई है आयोग की कार्रवाई, देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। एक के बाद एक चुनाव को लेकर निर्देश पारित किए जा रहे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने भी चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है और इसी सिलसिले में चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया है। जिन राज्यों में गृह सचिवों को हटाने की बात कही गई है उनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड शामिल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और मिजोरम के भी सामान्य प्रशासनिक विभाग के सेक्रेटरी को हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को चुनाव से संबंधित उन अधिकारियों का ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है जो कि 3 साल या फिर उससे ज्यादा का समय अपने होम डिस्ट्रिक्ट में बिता चुके हैं। आयोग का कहना है कि ये सभी निर्णय चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष करने की दृष्टि से लिए गए हैं। लेकिन महाराष्ट्र में म्यूनिसिपल कमिश्नर और डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर का दूसरे कॉरपोरेशन में ट्रांसफर का विरोध सामने आ रहा है। महाराष्ट्र की सरकार ने चुनाव आयोग के फैसले पर आपत्ति जताई है। मामले में चुनाव आयोग के तीनों आयुक्तों ने बैठक की जिसके बाद ट्रांसफर के फैसले पर मुहर लगा दी गई। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाने का भी आदेश जारी किया है। सोमवार शाम 5 बजे तक नए डीजीपी की नियुक्ति पर फैसला भी ले लिया जाएगा। इससे ये तो जाहिर है कि चुनाव की निष्पक्षता पर आयोग सख्त हो गया है, लेकिन चुनाव की निष्पक्षता पर विपक्ष की चिंताओं का निवारण अभी भी बाकी है। चुनाव आयोग एक्टिव मोड में है, लगातार फैसले ले रहा है। आयोग के फैसले से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से बगावत करने वाले विधायकों की मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो चुकी है और चुनाव आयोग उनकी सीट पर चुनाव करा रहा है। आयोग करार दिए गए विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। राज्यसभा उपचुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के विधायक मुश्किल में है। विधानसभा स्पीकर ने बजट सत्र में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर विधायकों की सदस्यता को रद्द कर दिया है। एक साथ 6 विधायकों की सदस्यता चली गई है। इसके बाद चुनाव आयोग ने इन सीटों को खाली मानते हुए उपचुनाव कराने का ऐलान भी कर दिया है। 1 जून को हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों के साथ ही 6 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं। ऐसे में विधानसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने विधायकों को सदन की कार्रवाई में मतदान करने या भाग लेने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया है। यानी विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया ने जो फैसला सुनाया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। ऐसे में बागियों के पास बहुत ही कम विकल्प बचे हुए हैं। संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी, जो राज्यसभा चुनाव में इन विधायकों के क्रॉस वोटिंग की वजह से हार गए थे, उन्होंने अदालत को बताया कि अब चुनाव की अधिसूचना से अनुच्छेद 359 लागू हो गया है, इसीलिए किसी भी नए चुनाव पर रोक लगाने का कोई सवाल ही नहीं है और इसके साथ अयोग्यता पर रोक लगाने का भी कोई सवाल नहीं है। सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि अदालत अयोग्यता पर रोक नहीं लगा रही है, बल्कि नए चुनावों पर रोक लगाने के सवाल पर विचार करेगी। जिन विधायकों को विधानसभा स्पीकर ने अयोग्य ठहराया है उसमें सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, देवेंद्र भुट्टो, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल और चेतन शर्मा शामिल हैं। बागियों को राहत नहीं मिली है जिससे बीजेपी मुश्किल में दिख रही है, तो दूसरी तरफ तेलंगाना की राज्यपाल ने अचानक इस्तीफे का ऐलान कर बीजेपी की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। हाल ही में चुनाव आयुक्त के इस्तीफे के बाद अब राज्यपाल के इस्तीफे से सवाल उठने लगे हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग समेत सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। इस चुनावी मौसम में नेताओं का पार्टी से इस्तीफा देना, दल बदलना तो आम बात है, लेकिन इस बार संवैधानिक पदों पर एक के बाद एक इस्तीफे सामने आ रहे हैं।
18 मार्च को तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्य राजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तमिलिसाई ने इसी के साथ पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से भी इस्तीफा दिया है। आपको बता दें, सुंदर राजन साल 2019 तक तमिलनाडु में भाजपा की प्रमुख रही हैं और लोकसभा चुनाव के एक महीने पहले आए इनके इस इस्तीफे ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले चुनाव की तारीखों के ऐलान के कुछ ही दिन पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और आनन-फानन में सरकार को नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करनी पड़ी। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति पर भी सवाल उठे थे और उनके इस्तीफे पर भी सवाल उठे। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट के जज ने भी इस्तीफा दे दिया था और वो तो बीजेपी में शामिल भी हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों संवैधानिक पदों पर लगी है इस्तीफों की झड़ी। इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त ही देगा। राज्यपाल के इस्तीफे से सवाल बीजेपी पर भी उठ रहे हैं, तो दूसरी ओर सवालों में इस समय अडानी ग्रुप भी बना हुआ है। पहले से ही अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच चल रही है और अब भारत में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जुर्माना लगा दिया है। तो क्यों लगा है अडानी ग्रुप पर जुर्माना, देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से गौतम अडानी समूह को बड़ा झटका लगा है। अडानी समूह की कंपनी अडानी पावर को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप के उस आवेदन पर विचार करने तक से इनकार कर दिया जिसमें विलंब से भुगतान अधिभार यानी LPS की मांग की गई थी। इसके साथ ही अडानी की कंपनी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये जुर्माना स्पष्टीकरण के लिए आवेदन दायर करने को लगाया गया है। अडानी समूह की कंपनी अडानी पावर को फटकार लगाते हुए न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा कि LPS के लिए अलग अलग आवेदन दाखिल करना अडानी पावर द्वारा अपनाया गया उचित कानूनी सहारा नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कानूनी सेवा प्राधिकरण को 50,000 रुपए का भुगतान करने के साथ आवेदन को खारिज करते हैं। आपको बता दें कि अडानी पावर की ओर से राज्य डिस्कॉम से LPS के रूप में 1,300 करोड़ रुपए से अधिक की मांग की गई थी, जो राजस्थान सरकार के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीन है। अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड APRL के आवेदन में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से 1,376.35 करोड़ रुपए के अतिरिक्त भुगतान का दावा किया गया था। इसके साथ ही तर्क दिया गया था कि अगस्त 2020 के फैसले में जो निर्णय लिया गया वे कानून में बदलाव और वाहन लागत के मुआवजे पर था, जो 28 जनवरी को राजस्थान डिस्कॉम के साथ हस्ताक्षरित बिजली खरीद समझौते PPA के तहत देर से भुगतान अधिभार LPS के अलग था। अडानी की मुश्किल बढ़ती दिख रही है, तो दूसरी तरफ रूस के चुनाव परिणाम ने व्लादिमीर पुतिन को राहत दी है। पुतिन एक बार फिर बड़े अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे, देखिए ये रिपोर्ट। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। 3 दिन तक चले इस चुनाव में एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन को बड़े अंतर से जीत मिली है। वो 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन गए। 15 से 17 मार्च को हुई वोटिंग में पुतिन को 88% वोट मिले, जो पुतिन को किसी भी चुनाव में मिले सबसे ज्यादा वोट है, जबकि उनके विरोधी निकोले खारितोनोव को सिर्फ 4% वोट मिले। राष्ट्रपति पद की रेस में व्लादिस्लाव दावानकोव और लियोनिद स्लटस्की तीसरे और चौथे नंबर पर रहे। इस जीत के साथ पुतिन ने साल 2030 तक के लिए नया कार्यकाल सुरक्षित कर लिया है। इसके साथ ही पुतिन रूस की सत्ता में बने रहने के मामले में जोसेफ स्टालिन से भी आगे निकल गए। आपको बता दें, स्टालिन रूस के 200 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में बने रहने वाले लीडर थे। चुनाव के परिणाम घोषित होने पर पुतिन ने कहा, अब रूस और भी ज्यादा ताकतवर और प्रभावशाली बनेगा। इसके साथ ही यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा करते हुए पुतिन ने चेतावनी भी दी। उन्होंने रूस नाटो विवाद को लेकर कहा, अगर अमेरिकी नेतृत्व वाला सैन्य संगठन नाटो और रूस आमने सामने हुए तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से एक कदम दूर होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कुछ चाहेगा। वहीं पुतिन की ताजपोशी से अमेरिका और पश्चिमी देशों को जोरदार झटका लगा है। अमेरिका ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ने कहा, चुनाव स्पष्ट रूप से स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि पुतिन ने राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया है और दूसरों को उनके खिलाफ लड़ने से रोका है। आपको बता दें, रूसी संविधान के तहत कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, लेकिन पुतिन ने संविधान संशोधन के जरिए 2 टर्म तक राष्ट्रपति रहने की ये सीमा खत्म कर दी। इसके साथ ही पुतिन के 2036 तक राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। बहरहाल, एक बार फिर पुतिन ने खुद को जनता के बीच लोकप्रिय नेता साबित कर दिया है। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे जाने माने का भाई, 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 भाई,
बात करो ना। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी रुके ना, वेट वेट, मैं कॉस्ट्यूम में हूँ, अभी मत लेना। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब